नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज अलग तरीके से भरवा परवल की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे परवल ले लिया है और परवल को इसी तरीके से बस चाकू से रगड़ के और इसका पतला जो स्किन है उसको हम हटा देते हैं। अब परवल को अच्छे से धो लेते हैं। परवल को अच्छे से धो के साफ कर लिया है, अब इसको काट लेते हैं। थोड़ा सा छोड़ के, मतलब हाफ इंच ऊपर से छोड़ेंगे और इसको इस तरीके से काट लेंगे। परवल के जो टुकड़े हमने निकाले हैं उनमें से जो ऊपर का गांठ है उसको काट के अलग करके हटा देते हैं। अब जो डेली यूज में हम छीलने वाला इस्तेमाल करते हैं पीलर है, उसी की सहायता से परवल में का सारा बीज हम बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल कुछ इस तरीके से खाली कर देंगे परवल को। जो बीज बचे हैं उसका इस्तेमाल हम आपको बताएंगे। पहले ले लेते हैं 2 चम्मच, यहाँ पे ले लिया है नारियल जिसको हमने घिस लिया था बारीक वाले ग्रेटर से, और यहाँ पे ले लेंगे 20 से 25 काली मिर्च के दाने। 1 चम्मच भरा हुआ जीरा ले लेंगे, बड़े चम्मच से हमने भर के ले लिया है, और सूखी लाल मिर्च है, लहसुन भी है, थोड़ा सा धनिया भी ले लिया है 1.5 चम्मच के लगभग में। इस सबको एक साथ हम पीस लेंगे। बोलते हैं इसमें थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार करते हैं, बारीक इसको पीस लेते हैं। मसाले हमारे पीस गए। अब परवल जो हमने काट के रखा था उसमें का बीज है और परवल का टुकड़ा है, इसको भी इसी के साथ पीस लेते हैं। इस तरीके से पिसा हुआ जो हमारा मसाला होता है बहुत ही टेस्टी होता है। अब परवल में को थोड़ा सा सरसों के तेल डाल के और इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, बिल्कुल कुछ इस तरीके से, ताकि परवल हमारा अच्छे से पक जाए अंदर तक। और ऐसे करके निकालेंगे तो परवल में जो गड्ढा है उसमें तेल चला गया होगा, वो सारा निकल जाएगा। बाकी जो परवल है उसको भी डाल देते हैं और इसी तरीके से परवल को फ्राई कर लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल जो इसमें बचा है उसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद 1 चम्मच डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, और 1 बड़े साइज का प्याज था जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है उसको डाल के इसमें भून लेते हैं। प्याज को चला चला के भून लेते हैं। प्याज हमारा लगभग फ्राई हो गया है। इसके बाद हमने यहाँ पे काट के रखा है 1 बड़े साइज का टमाटर जिसको बारीक चॉप कर लिया है, उसको डाल के टमाटर को भी भून लेंगे प्याज के साथ। डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, बस हल्दी डालेंगे, कुछ और नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने सारे मसाले पीस के एक साथ तैयार कर लिए हैं। वो जो मसाले हमने पीस के रखा है परवल के बीज और जो टुकड़े निकले हैं उसके साथ, सबको डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक आराम से छोड़ देंगे। उसके बाद चला चला के कुछ इस तरीके से भून लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब 2 उबले हुए आलू लेंगे और उसको कुछ इस तरीके से बारीक ग्रेट करके डाल देंगे। आलू अगर जब आपको डालना होगा तो ध्यान रखेंगे कि आलू उबालेंगे तो थोड़ा सा ठंडा रहेगा, तभी अच्छे से ग्रेट हो पाएगा। आलू इसलिए डालते हैं कि जो मसाला हमने रेडी किया है भून के उसमें एक थिकनेस आ जाए। उस मसाला रेडी हो गया, इसको निकाल लेते हैं और इस तरीके से एक चम्मच की सहायता से, चम्मच का जो डंटी होता है उसी की सहायता से हम सारे परवल में इस मसाले को स्टफ कर लेंगे, भर लेंगे। इस तरीके से अगर आप भरवा परवल बनाते हैं तो मसाले आपके बिल्कुल भी अच्छी तरह से रहते हैं, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जा पाता है और परवल एकदम खुलते नहीं, क्योंकि हमने इसको बीच से टुकड़ा नहीं किया है या बीच में कोई चीरा नहीं लगाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे परवल को हमने रेडी कर लिया है, अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा डाल देते हैं ऑयल, और उसके बाद जो परवल हमने स्टक करके रखे हैं भरवा परवल उसको इसमें डाल देते हैं, और डाल के ढक देंगे, और ढक के इसको छोड़ देंगे आराम से, ये 2 मिनट तक धीमी आंच पे फ्राई हो जाएंगे। बस इसी तरीके से पलट पलट के सारे परवल को हम भून लेते हैं इसमें। इसी तरीके से एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।